आप सबको तो पता ही होगा लॉकडाउन से पहले की रूटीन है, लॉकडाउन के बाद की रूटीन हाँ सबकी अलग अलग है, बट कहीं ना कहीं आप लोग मेरे से एग्री करोगे, कहीं ना कहीं एक्सट्रोवर्ट बन गए हैं इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट बन गए हैं एक्सट्रोवर्ट। हाँ हाँ मुझे पता है कि लोगे हुए हैं ब्रेकअप और लोगे हैं फैसला, तो चलो मैं आपको अपनी टीम बता स्कूल जाना, स्कूल से आके उठाए सीधा ट्यूशन चले गए, ट्यूशन से वापस आए लंच अपने दोस्तों से घूमने निकल गए, घूमने के बाद आए खाना खाया पढ़ाई के लिए। हाँ वीकेंड मैं वीकेंड से घूम सकती हूँ, वीकेंड पे पार्टी लोगों बाहर अपने दोस्तों के घूमना ये हम सोचना कि मेरे घर पे कुछ लड़ाइयाँ होती है इसलिए मैं भाग नहीं रहती, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे बाहर ज्यादा रहना पसंद है, तो मेरा घूमना ज्यादा पसंद है। तो पता चलता है 25 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन लग गया, और मैं बाहर घूमने वाली हूँ, मतलब घर को घर में रहना पड़ेगा, मैं तो डिप्रेसिव हूँ, फिर मैंने सोचा फिर एक दिन मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब होती है, तो हम सब मतलब जैसे उस टाइम अगर हम जैसे डॉक्टर के पास जाते थे तो हम बहुत सीधा हमें प्रिस्क्राइब करते थे कि कोविड टेस्ट कराते, मेरे घर में चार लोग मेरे पापा मेरी मम्मी मैं और मेरा छोटा, हम सबके कोविड टेस्ट हुआ एंड पॉजिटिव, तो हम सबको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया अलग अलग मोड से लिए गए। उसके बाद दो दिन के बाद हम लोग हम सब एक दूसरे से फोन पर कॉन्टैक्ट कर रहे थे, एक दूसरे से फोन से बात कर रहे थे, तो पूरे वोट में एक मैं आपकी टीम में मम्मी दूसरे वोट में थी एंड अगले दिन मुझे पता चलता है बट माय मॉम इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। उस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, मैं सोच भी नहीं पा रही थी, जो इंसान हर रोज सुबह उठकर मेरे खाना बनाता इस दुनिया में रहा ही नहीं, मैं कुछ सोच समझ पाती, मुझे एक और न्यूज मिलती है कि मेरे पापा की दुनिया में नहीं है, वो भी मुझसे अकेला उस टाइम मैं कुछ कर भी पाती, मेरे दिमाग में आया मेरा छोटा भाई वो ठीक है, उसको इस सब के बारे में पता है, मैंने फोन किया और वो चिल्ला रहा था, वो रो रहा था फोन पर, दीदी मेरे पास आ जाओ, दीदी मेरे पास आ जाओ, मैं अकेला, दीदी मेरे को डर लग रहा है, मेरे पास आ जाओ। उस दिन मैं इतना रोई, मैंने डॉक्टर्स को बोला, नर्सेस को बोला कि प्लीज मुझे मेरे भाई के पास आने दो, प्लीज मुझे मेरे भाई के पास आने दो, बट उन्होंने ये जरूरी भी नहीं सोचा कि वो छोटा सा बच्चा अकेला कैसे रहेगा, मेरे को नहीं जाने देते। मेरी फैमिली में बस एक मैं बची, जहां मैं दोस्तों के साथ हर दिन, आज मैं पछताती हूँ कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी, काश मैंने वो वक्त अपने पेरेंट्स को दिया होता तो मैं आज इतनी रिग्रेट में नहीं थी, हर दिन पछतावा होता है मेरे को, काश मैं उनके साथ होती, उस वक्त उनके साथ होती जो टाइम मैंने अपने दोस्तों के साथ, सो कॉल्ड दोस्तों के साथ बिताया, सो कॉल्ड रिलेटिव्स के साथ बिताया, उन्होंने ये जानना भी जरूरी नहीं समझा कि मैं ठीक हूँ, मैं वहां पर ठीक हूँ, किसी ने मेरे से पूछना भी जरूरी नहीं। फाइनली मुझे बड़ा अच्छा, कई बार मैं प्राउड महसूस करती हूँ, हैशटैग सेल्फ लव लिखना उनको बाय दोस्तों ऑन इंस्टाग्राम, उस वक्त हर दिन जब मेरे लोअर स्टैंडर्ड में मेरे पेरेंट्स मेरे साथ होते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद डियर टाइम एंड रिजर्व
आज ये जो मैंने साड़ी पहनी है ये मेरी माँ की अमानत है, उनकी तो मैंने कभी कदर करी नहीं, कोशिश करूंगी